नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल द सीक्रेट ऑफ इन्वेस्टिंग में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं दीपक नाइट्राइट स्टॉक के बारे में, और यहाँ पे बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो अगर आप लोग ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं दीपक नाइट्राइट के स्टॉक में, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। बिना स्किप करते हुए वीडियो को एंड तक देखिएगा। दोस्तों, यहाँ पे अगर हम लोग सबसे पहले बात करें म्यूचुअल फंड की पार्टनरशिप की, इस स्टॉक में कितनी होल्डिंग है, तो उसमें आप लोग देखिए बहुत सारे जो स्कीम्स हैं उनमें दीपक नाइट्राइट का स्टॉक ऑलरेडी अवेलेबल है, और काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को इसमें बाइंग होती हुई नज़र आती है। देख सकते हैं मार्केट वैल्यू 322 करोड़, 244 करोड़, 90 करोड़, तो मतलब कि काफ़ी बड़ी बड़ी होल्डिंग म्यूचुअल फंड के द्वारा आपको दीपक नाइट्राइट में देखने को मिलती है। अराउंड 2198 करोड़ के आसपास म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट वैल्यू आप लोगों को इस स्टॉक में देखने को मिलती है। HDFC सिक्योरिटीज़ ने अभी थोड़े दिन पहले ही सेल रेटिंग प्रोवाइड करी है इस स्टॉक के ऊपर, उससे हम लोगों को घबराने की बात नहीं है। बेसिकली ये सेल रेटिंग आप लोगों को क्यों देखने को मिली है, क्योंकि आप लोगों ने क्वार्टर फोर की अर्निंग देखी, 267 करोड़ का कंपनी को प्रॉफिट हुआ, और ये बहुत सालों बाद हुआ है कि यहाँ पे जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ग्रोथ थी कंपनी की, वो आप लोगों को थोड़ी सी डिक्लाइन होती हुई नज़र आई है। और ये जब होता है किसी भी कंपनी में, तो थोड़े बहुत इन्वेस्टर जो होते हैं वो आप लोगों को परेशान होते हुए नज़र आते हैं, और उस स्टॉक से पैनिक क्रिएट करके थोड़ा सा बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से ये स्टॉक अभी भी फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, और आप लोगों को आने वाले कल में काफ़ी अच्छा खासा पैसा बना के दिखा सकता है। आप लोग देखिए पिछले 6 महीने का चार्ट, तो इस स्टॉक ने बहुत बार 1800 के लेवल पे सपोर्ट लिया है। देख सकते हैं यहाँ पे 2 बार यहाँ पे 1800 के लेवल पे सपोर्ट लिया है, उसके बाद यहाँ पे भी आप लोग इस स्टॉक में बाउंस बैक देख रहे हैं। पिछले 1 साल का डाटा देखें तो ऐसा बहुत कम बार हुआ है जो स्टॉक 40% के CAGR से एनुअली ग्रोथ दिखाता है, वो आप लोग देखिए पिछले 1 साल में केवल 11% की ही रैली दिखा पाया है। पिछले 1 साल में आप लोग देखिए 3000 का 52 वीक हाई है, और करंटली 2000 के भी नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो एक काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के पास कि ये जो लंबा कंसोलिडेशन इस स्टॉक में हो चुका है, बहुत लंबा कंसोलिडेशन हो चुका है, ऊपर के लेवल से स्टॉक गिरावट में भी आप लोगों को देखने को मिल रहा है, तो आप लोग इन लेवल्स पे इस स्टॉक को ग्रैब करने की कोशिश करिए। अगर आप लोग के पास थोड़ा बहुत भी हॉरिजन लंबा है, 8 महीने, 10 महीने या 1 साल तक का है, तो आप लोगों को ये स्टॉक काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न डिलीवर करके दिखा सकता है। इवन 40% से भी ज़्यादा का टारगेट आप लोग इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है। अभी आप लोग देखिए कुछ दिनों पहले ही मोतीलाल ओसवाल जी ने टारगेट दिया था 2320 रुपये के आसपास का। यहाँ दोस्तों तो जैसे ही स्टॉक में गिरावट आती है, बहुत सारे ब्रोकरेज हाउस ऑलरेडी इस स्टॉक में तुरंत टारगेट आप लोगों को देते रहते हैं, और ये शॉर्ट टर्म टारगेट है, कुछ ज़्यादा लॉन्ग टर्म टारगेट नहीं है। लॉन्ग टर्म टारगेट देखेंगे तो आप लोग ये 3000 के भी ऊपर के लेवल के आप लोगों को टारगेट देखने को मिलेंगे। अगर हम लोग यहाँ पे दूसरे केमिकल स्टॉक से कंपैरिजन करें दीपक नाइट्राइट का, तो आप लोग देखिए एक चीज़ कि ये जो दूसरी कंपनियां हैं इनकी प्राइस टू अर्निंग रेशियो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे दीपक नाइट्राइट जो कि अभी रिसेंटली जब 3000 के आसपास गया था, तो 30, 31, 32 के आसपास प्राइस टू अर्निंग रेशियो पहुंची थी, लेकिन वापस इस स्टॉक में गिरावट होने के लिए यहाँ पे 25 की प्राइस टू अर्निंग रेशियो आ चुकी है। तो काफ़ी ज़्यादा लोअर वैल्यूएशन में स्टॉक अवेलेबल है, तो ज़रूर आप लोगों को दीपक नाइट्राइट को रिडार में रखना है। अगर आप लोगों को किसी भी लेवल पर ये स्टॉक अच्छा लगे, तो छोटी छोटी क्वांटिटी आप लोग अपने पोर्टफोलियो में इस स्टॉक की रखिए, ताकि आने वाले कल में काफ़ी अच्छा खासा पैसा आप लोगों का बनता हुआ नजर आए। आई होप मैंने आपके सारे डाउट क्लियर करने की कोशिश की है दीपक नाइट्राइट से रिलेटेड। वीडियो से लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल पर फर्स्ट टाइम होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।